Standard 4th, lesson number 7, exercise 2, in which question number 4, circle the fraction which is not equivalent to the others. Now, A. अब आपके पास क्वेश्चन में 4 फ्रैक्शंस है, 21/49, 9/21, 3/7, 12/21. ना अभी सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा फ्रैक्शन दिख रहा है आपको, 3/7. ना चेक करो, 3 के टेबल में 21 कहाँ पे पॉसिबल है, 3/7 सा, तो 7, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 7 से ही होना चाहिए, 7/7 सा 49, सेम है. 3 के टेबल में 9, 3 सा, तो 7/3 सा 21 इक्वल. 3 के टेबल में 12, 4 सा, तो 7/4 सा 28 होना चाहिए, उसके बदले 21 है, दैट्स वाई 12/21 इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सो सर्कल इट. बी, अभी दिख रहा है 5/9 स्मॉलर दिख रहा है, 5 के टेबल में 15, 5/3 सा, 9/3 सा 27. 5 के टेबल में 45 कहाँ पे पॉसिबल है, 9 सा, 5/9 सा 45, तो 9/9 सा 81 होना चाहिए, उसके बदले 72 है, दैट्स वाई 45/72 इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. 5/2 सा 10, तो 9/2 सा 18, वो इक्विवेलेंट है. सी एंड डी इज इन होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 विथ. The first one has been done for you. First का already answer आपको दिया है. Question में है a numerator 15. So we will start from second one, b. b, denominator is equal to 42. Now, 3/7 वो तो question है. 42 denominator, that means यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 42. Now, 7 को कौन से number के साथ multiply करोगे तो 42 possible है. 6/7, 6/42. नीचे 6 है तो ऊपर भी सेम नंबर ही होना चाहिए, तो 3/6, 18. नाउ सी, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 27. क्वेश्चन है 3/7, न्यूमरेटर हमें 27 आंसर दिया है, यहाँ पे 27 लिखा. नाउ 3 के टेबल में 27 कहाँ पे पॉसिबल है, 9 सा, ऊपर 9 सा तो नीचे भी 9 सा होना चाहिए, 7/9, 63. D is in homework. Now question number 6. Check whether the following fractions are equivalent using cross multiplication method. A, 3/8 and 16/24. That means cross multiplication mein 3/8, that means 3 ko multiply karna hai 24 ke saath, 8 ko karna hai 16 ke saath. 3/24 are 72, 8/16 are 128. 72 and 128 both are different number, that's why. So 3/8 and 16/24 are not equivalent fractions. B, 2/5 and 10/25. Cross multiplication, that means 2 को 25 के साथ करेंगे, 5 को 10 के साथ करेंगे. Look, 2 multiply by 25 is equal to 50. 5 multiply by 10. 5 tens are 50. 50, 50. Both are equal, same. That's why 2/5 and 10/25 are equivalent fractions. C is in homework.